हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुधीर भोसले। स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल शिवम मोटोजोन पर। तो जैसे कि दोस्तों, इसके पहले हमने टूर सेगमेंट्स के जो वीडियोस किए हैं, जैसे कि अर्टिगा टूर एम, डिजायर टूर एस और सेलेरियो टूर H2, तो इस पे हमने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े, जिसके ऊपर आपने बताया गया कि टूर H3 पे एक डिटेल रिव्यू वीडियो बनाइए। तो आज हम इसी के लिए आए हुए हैं, जो कि आपका वैगन आर जो टूर H3 जो लॉन्च हुआ है, उसका कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वैगन आर टूर H3 का रिव्यू। तो दोस्तों, इसके फ्रंट प्रोफाइल की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक वाइड विंडशील्ड दिया हुआ है, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है आपकी, इसको वाइल्ड ड्राइविंग काफ़ी बढ़ा देती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हेडलैम्प्स दिए हुए हैं वो डुअल ट्विन चैम्बर हेडलैम्प्स दिए हुए हैं, जिसकी वजह से इसका जो लुक है वो काफ़ी इनहांस हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक ग्रिल दिया हुआ है, उसके ऊपर आपको क्रोम ग्रिल का बेजिंग दिया हुआ है, मारुति सुजुकी का लोगो है, जिसकी वजह से जो सामने का लुक है वो काफ़ी आपको इनहांस कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको फॉग लैम्प का प्रोविज़न भी दिया हुआ है, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको लेन चेंज इंडिकेटर दिए हुए हैं, जो कि आपके सेफ्टी को बढ़ा देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें 13 इंच के टायर साइज दिए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 mm का है, जिसकी वजह से जो बॉडी का अंडर डैमेज है वो कंट्रोल करा देता है, जिसकी वजह से सेफ्टी आपकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी कलर जो है डोर हैंडल्स वो ब्लैक, और यहाँ पे ORVMs भी आपको ब्लैक दिए हुए हैं, जिसकी वजह से इसका जो साइड प्रोफाइल है वो थोड़ा डुअल टोन लुक दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी जो कि आपको फ्लोटिंग रूफ टाइप डिज़ाइन दिया हुआ है। तो इसके रेयर प्रोफाइल के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया हुआ है, जो कि आपके सेफ्टी को बढ़ा देता है वाइल नाइट ड्राइविंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिल्वर क्रोम बेजिंग दिया हुआ है, जो मारुति सुजुकी का दिया हुआ है लोगो। और यहाँ पे आप ओवरऑल लुक आप पीछे से देखेंगे तो काफ़ी मस्कुलर लुक दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, जो कि आपके सेफ्टी को बढ़ा देते हैं। तो चलिए हम इसके बूट स्पेस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पेट्रोल वेरियंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 341 liters का बूट स्पेस आता है, बट यहाँ पे देख सकते हैं CNG आने की वजह से आपको एक हाफ ऑफ द अमाउंट इसमें का निकल जाता है। तो भी आप देख सकते हैं इसमें लगेज पिछले वाले एज कम्पेयर टू पिछले वाला वैगन आर आप कंपेयर करेंगे तो ज़रा भी बूट स्पेस था नहीं। और यहाँ पे आप अगर ज़्यादा लगेज हो तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो देख सकते हो आप, ये आप कम्प्लीटली इसका बूट स्पेस। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इन सीट्स को आप कम्प्लीटली फोल्ड कर सकते हो, जिसकी वजह से जो आपका बूट स्पेस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे कि एक ही क्लाइंट है आपका और लगेज ज़्यादा है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो आइए जानते हैं इसके CNG के बारे में। मारुति सुजुकी इसको S टेक्नोलॉजी CNG बोलती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें S टेक्नोलॉजी का CNG आता है। ये इसमें जो बॉटल है ये 10 kg का कैपेसिटी रखता है, जैसे कि लीटर्स में हम काउंट करें तो 60 liters, और kg में आपको 10 kg का इसमें कैपेसिटी आता है, जिसकी वजह इसमें रिफ़िल जो है आपका 7.5-8 kg के अप्रॉक्सीमेट जाता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आप CNG के प्रेशर के ऊपर। तो चलिए जानते हैं कुछ इंटीरियर्स के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर दिया हुआ है, जो कि आप आपका मैगजीन्स रख सकते हो। यहाँ पे 1 liter बॉटल आपकी होल्ड हो सकती है, बॉटल होल्डर दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फ्रंट पावर विंडोज दिए हुए हैं, जो कि आपका ड्राइवर साइड जो है वो ऑटो फंक्शन है दिया हुआ है, जो कि आप पुश करोगे 1 touch तो नीचे आ जाता है। ओके, और यहाँ पे सेंट्रल लॉक के लिए भी स्विच दिया हुआ है, जो कि आप कम्प्लीटली लॉक कर सकते हो, जो कि आपकी सेफ्टी को भी बढ़ा देता है एक हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले वाले वैगन आर में यहाँ पे एक और एक स्विच फ्यूल गेज दिया गया था, जो कि अभी ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे, जो कि आपको डिजिटली दिया हुआ है। CNG जो है वो आपको एक्यूरेटली बता देता है डिजिटली होने की वजह से। तो इसमें और सेफ्टी की हम बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल एयरबैग्स दिए गए, जैसे कि ड्राइवर और को ड्राइवर से एयरबैग्स दिए हुए हैं। और इसमें आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, जो कि आपके सेफ्टी को बढ़ा देता है। फिर ब्रेकिंग की हम बात करें तो इसमें आपको ABS विद EBD आ जाती है, जिसकी वजह से आपको जो ब्रेकिंग है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है। और यहाँ पर आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसका जो
टूर सेगमेंट होने की वजह से इसमें जो है उस 80 का स्पीड लिमिट आता है जो कि कंपनी फिटेड होता है, और इसके वजह से आपकी जो गाड़ी की वारंटी है वो भी इंटैक्ट रहती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें पावर स्टेयरिंग है और डुअल टोन इंटीरियर्स दिए हुए हैं जो कि आपके इंटीरियर को भी काफ़ी एनहांस कर लेता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एसी के स्विचेस दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको चार्जर सॉकेट आ जाता है जो कि आप आपका फ़ोन चार्जिंग कर सकते हो, और यहाँ पे गियर नॉब जो है वो आपको डैशबोर्ड में दिया हुआ है जिसकी वजह से आपका जो स्पेस है वो काफ़ी यूटिलाइज हो गया है। जैसे कि यहाँ पे अभी आपको मोबाइल होल्डर मोबाइल्स रख सकते हो या अपना पानी का बॉटल भी आप यहाँ पे रख सकते हो, तो इसमें स्पेस ही स्पेस है। और यहाँ पे हम म्यूज़िक सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको स्लॉट दिया हुआ है, तो आपके बजट के हिसाब से सिंगल डिन या डबल डिन या टच स्क्रीन भी डाल सकते हैं। स्टेयरिंग की हम बात करें तो इसमें पावर स्टेयरिंग आती है, और सीट्स की हम बात करें तो इसमें बेज कलर के सीट्स है जो कि इंटीरियर को मैच करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो हेडरूम जो कि काफ़ी ज़्यादा है जो कि हाइटेड लोगों के लिए भी इजीली आप अंदर बाहर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें जो पेट्रोल पावर जो जनरेट करता है इसमें 48 किलोवाट एट 5500 आरपीएम पे पावर जनरेट करता है। और इसमें सीएनजी की हम बात करें तो सीएनजी में आपको ये 41.7 किलोवाट एट 5300 आरपीएम का पावर जनरेट करता है। अगर हम इसके टॉर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पेट्रोल टॉर्क देता है 89 न्यूटन मीटर एट 3500 आरपीएम, और सीएनजी की हम बात करें तो इसमें 82.1 न्यूटन मीटर एट 3400 आरपीएम सीएनजी टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो इसमें नेक्स्ट जेन के सीरीज डुअल जेट डुअल वीवीटी इंजन विद आईएसएस दिया गया है जिसकी वजह से गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है जो माइलेज है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। जैसे कि इसमें सीएनजी 34.73 का माइलेज आपको मिलता है और पेट्रोल में आपको 25.40 का माइलेज मिलता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट रिव्यू ऑफ टूर एच 3 वैगन आर का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या इस वीडियो के दौरान आपको कुछ सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा ताकि हम उसका जवाब दे सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे शिवम ऑटोजोन चैनल को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।